आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार, देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक्स और वाई हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, और विकल्प दिया हुआ है एक्स वाई बट्टा दो, एक्स वाई बट्टा चार, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम समचतुर्भुज यहाँ पे खींचे तो देखिए ये आपके पास समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण जो है, इस समचतुर्भुज का मान लेते हैं विकर्ण ये इस प्रकार से है, ये एक विकर्ण है और दूसरी विकर्ण कुछ इस प्रकार से है। तो समचतुर्भुज के लिए जो विकर्ण होता है, मान लेते हैं ये डी वन है और ये डी टू है और ये आपस में लंबवत भी होते हैं। तो लिखते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक बट्टा दो गुना डी वन गुना डी टू। ये हमारा सूत्र होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा एक बट्टा दो गुना, अब देखिए डी वन और डी टू जो है क्रमशः एक्स और वाई है, ये आपके पास एक विकर्ण एक्स है और दूसरा विकर्ण वाई है। तो डी वन और डी टू के जगह पे हम क्रमशः एक्स और वाई रखें तो यह जगह एक बट्टा दो गुना एक्स गुना वाई, अर्थात दिए हुए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा एक्स वाई बट्टा दो, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर विकल्प में देखें तो एक्स वाई बट्टा दो जो है विकल्प ए में है, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।